महर्ष दधीच देवताओं की सुरक्षा के लिए अपना शरीर दान दिया, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। उसी समय उनकी जो पत्नी थी वो गर्भावस्था में थी, वो वहाँ मिश्रिक से चल के इसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर के अपने गर्भस्थ को स्थान प्रदान करके यहीं पर सती हो गई थी। ये शिशु रूप में हुआ तो इस पीपल की पेड़ की पत्तियाँ और इनके फल खा खा करके किसी प्रकार बड़ा हुआ और वही आज पिपलाद महर्ष पौराणिक कथाओं में कहे जाते हैं। वही ये पीपल पेड़ की काफ़ी मान्यताएँ हैं, जिसको ये पिपलाद ऋषि की जन्मस्थली है। यहाँ उनका पहले से आश्रम है पूर्व से, और यहाँ जो वृक्ष है पहले जो लगा था वो इतना विशाल काय था वो कहा नहीं जा सकता है, पर वो वृक्ष जब अपनी उम्र पूरी करके गिरता है तो उसके बाद यहाँ उसके गिरने से पहले ही नए वृक्ष उत्पन्न। महर्षि दधीच ने जब देवताओं की आग्रह पर अपने शरीर की हड्डियों का दान कर स्वर्गवास चले गए, इस घटना की जानकारी जब उनकी पत्नी को हुई तो इसी वृक्ष के नीचे अपना गर्भ रखकर स्वर्गवास चली गई। मदनपाल सिंह, ईटीवी भारत, सीता।